क्या आपको अभी एक नया स्मार्ट टीवी खरीदना है और आपके दिमाग में भी एक कंफ्यूजन है कि हमें पहले से चले आए सोनी सैमसंग या फिर एलजी स्मार्ट टीवी को खरीदना है या फिर अभी अभी नए नए जो मार्केट में आए हैं मोटोरोला वीयू एमआई रियलमी टीसीएल वन प्लस वो सब स्मार्ट टीवी खरीदे। ये कंफ्यूजन जेन्युइन है दोस्तों, सभी को आता है। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ कंफ्यूजन है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपका वो कंफ्यूजन 100% दूर हो जाएगा। तो दोस्तों बिना स्किप किए एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो वो रेड करके सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे टेकफिन फैमिली में जुड़ जाइए। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कीजिए हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सम्यक, यू वाचिंग टेकफिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं, ये जो सारे ब्रांड्स है सोनी सैमसंग एलजी या फिर मोटोरोला वीयू एमआई रियलमी, वो सभी दोस्तों अच्छे ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये ब्रांड खराब है, ये ब्रांड के स्मार्ट टीवी खरीद के मुझे पछताना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। सभी ब्रांड ट्रस्टेड है, लेकिन कुछ चीजों में ये सारे बेहतर है और कुछ चीजों में ये जो नए नए आए हैं अभी वो सब बेहतर है। तो कहां पे दोस्तों, देखिए ये जो सारे सोनी सैमसंग एलजी के स्मार्ट टीवी होते हैं वो पहले से चले आ रहे हैं। जब हम डब्बे वाला टीवी देख रहे थे तभी दोस्तों सोनी का एलजी का सैमसंग का स्मार्ट टीवी था। अभी दोस्तों इतना पतला सा टीवी आता है तब भी दोस्तों वो ब्रांड्स वो टीवी बना रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता है, जबकि ये बहुत दिनों से चले आ रहे हैं इनके ऊपर हमारे ट्रस्ट थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस टीवीज जो कि अभी अभी निकले हैं। तो दोस्तों इसी वजह से इसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमें एक 30-40 हज़ार रेंज के स्मार्ट टीवी चाहिए तो हमें ये जो ब्रांड नए नए आए हैं, जो फीचर, जो डिस्प्ले, जो साइज प्रोवाइड करेंगे, ये सोनी सैमसंग एलजी वाले ब्रांड वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें और 10-15 हज़ार ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप बजट को लेके वरिड नहीं है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, तो दोस्तों आपके लिए वो सारे टीवी अच्छे होंगे। लेकिन ज्यादातर एक स्मार्ट टीवी खरीदने से पहले हमारे दिमाग में हमारा बजट आता है, मुझे भाई 40 हज़ार में एक स्मार्ट टीवी खरीदना है। तो ऐसा हो सकता है कि मेरा बजट थोड़ा बढ़ जाए, 40 से 45 हज़ार हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मेरा बजट 40 हज़ार है, मुझे एक 60 हज़ार 70 हज़ार का टीवी अच्छा लगा तो ले आया, ऐसा नहीं होता है जेन्युइनली। तो दोस्तों इस मामले में क्या होता है, आपके रिक्वायरमेंट क्या है वो देखना होता है। अगर आपका बजट, मैं एक एग्जांपल के लिए बोला दोस्तों 40 हज़ार, मान लीजिए आपका बजट 40 से 50 हज़ार रुपए है, तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपके घर में कौन कौन टीवी देखने वाले हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई ओल्ड एज लोग देखने वाले हैं टीवी, तो उन्हें तो कोई फीचर वगैरह चाहिए नहीं होता है, वो सेटअप बॉक्स लगा के टीवी में चैनल से देखने वाले हैं। तो उस जगह में मैं कहूंगा कि आपको सोनी सैमसंग या फिर एलजी के स्मार्ट टीवीज लेना चाहिए, अगर आपके बजट में फिट आता है तो। क्योंकि क्या होता है कि ये जो सारे ब्रांड है वो तो है बहुत ही अच्छा, लेकिन वो जितना भी अच्छा पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करे इन जैसा मैच नहीं कर सकते हैं। अभी अभी के कई टीवी में भी दोस्तों एलजी का पैनल यूज होता है, तो दोस्तों उनके पैनल डिस्प्ले क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आपको टीवी सिर्फ वीडियो देखने के लिए, वीडियो मतलब चैनल वगैरह देखने के लिए यूज करना है, तो डेफिनेटली आप इन टीवीज की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपको अगर फीचर वगैरह चाहिए, आपको एंड्रॉयड अच्छा चाहिए, क्रोमकास्ट करना है, आपको गेम भी खेलना है, आपको मल्टीमीडिया भी देखना है, बहुत सारी चीज करना है, तो दोस्तों आपके लिए ये सब स्मार्ट टीवी अच्छा रहेंगे, अगर आप उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है बजट को लेके। क्योंकि दोस्तों जो नए नए फीचर आते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं, वो इन टीवी में भी होता है, लेकिन उन फीचर टेक्नोलॉजी के वजह से उसका प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको एक जेन्युइन प्राइस में ये सारे फीचर चाहिए तो आपको इन टीवी की तरफ जाना चाहिए। और एक बात दोस्तों जरूरी होता है, जब भी आप एक स्मार्ट टीवी खरीदे तो उसका सर्विस थोड़ा देख के खरीदेगा, क्योंकि आप जहां पे रहते हैं वहां पे वो सर्विस प्रोवाइड होता है या नहीं, इस बारे में आपको देखना होता है। टीवी तो खरीदते हैं एक डेढ़ साल के लिए नहीं खरीदते हैं दोस्तों, मिनिमम 4-5 साल के लिए तो टीवी एक खरीदते हैं। तो अगर वहां पे आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं होगा, तो अगर एक महीने के बाद भी टीवी कुछ खराब होता है तो कैसे आप रिपेयर कराएंगे। तो सर्विस बहुत ही मैटर करता है। तो इस मामले में अगर आप सैमसंग सोनी या फिर एलजी के स्मार्ट टीवी लेते हैं तो आपको उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, इंडिया के करीबन हर जगह में आपको इसकी अच्छी सर्विस मिल जाएगी। तो जब भी आप अगर मोटोरोला व्यू एमआई रियलमी वगैरह इन सब ब्रांड के टीवी खरीद रहे हैं तो सर्विस जरूरी चेक करें, या फिर अगर आप फ्लिपकार्ट से ले रहे हैं तो वो जिप्स के थ्रू वो करवा लेंगे, वो अच्छा होता है। अगर ऑफलाइन ले रहे हैं तो सर्विस जरूर देखिएगा। तो अगर एक ओवरऑल बात करूं, तो अगर आप यंग हैं तो आपके लिए डेफिनेटली वो सोनी सैमसंग एलजी वाले टीवी नहीं है, यही दोस्तों मोटोरोला व्यू रियल
रियलमी, ये जो भी सब टीवी है वही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिल जाएगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिल जाएगा और अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों आपको अभी लग रहा होगा कि मैं ये ब्रांड को ज्यादा उठा के बोल रहा हूँ और सोनी सैमसंग एलजी को गिरा के बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मुझे भी दोस्तों अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि तुम्हारे सामने दो टीवी है, दोनों का साइज सेम है, डिस्प्ले क्वालिटी सेम है, फीचर भी सेम है, एक है सोनी का, एक है मान लीजिए व्यू का, व्यू तो बहुत ही अच्छा ब्रांड है दोस्तों, लेकिन मैं हमेशा सोनी ही प्रीफर करूंगा दोस्तों। सोनी के बदले एलजी भी होता तो एलजी ही प्रीफर करता। क्यों दोस्तों? क्वालिटी वाइज डेफिनेटली इन दोनों में ये बेहतर होगा, लेकिन बात आता है हमारा वैल्यू फॉर मनी की। जब वैल्यू फॉर मनी की बात आता है तो दोस्तों ये थोड़ा पीछे रह जाता है और आगे रहते हैं हमारे ये सब ब्रांड्स। तो दोस्तों इस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी अगर आप देखें तो ये ब्रांड्स बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दीज ब्रांड्स। और अभी अगर स्पेसिफिक प्राइस के बारे में बात करें, मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूं दोस्तों। ये अगर आप एक 43 इंच का स्मार्ट टीवी अभी खरीदने वाले हैं, तो अगर आप सोनी सैमसंग एलजी में से कुछ खरीदने वाले हैं तो आपके पास ऑप्शन बहुत ही कम रहता है। सैमसंग का दोस्तों क्रिस्टल 4K प्रो आप ले सकते हैं, उसका प्राइस करीबन 39,000 होता है। सोनी ब्राविया 4K अल्ट्रा एचडी ले सकते हैं 43 इंच वाला, उसका प्राइस दोस्तों 55,000 होता है। LG का 4K Ultra HD TV लेंगे तो 45,000 रहता है दोस्तों, इतना सारा हाई प्राइस रहता है 43 इंच वाला वेरिएंट का। लेकिन अगर आप वही Mi TV 4X लेते हैं या फिर iFalcon 4K लेते हैं, View Premium TV लेते हैं, TCL P615 लेते हैं, Hisense 4K TV या फिर Motorola ZX Pro लेते हैं, तो इनका जो प्राइस है ना वो 29-31 या फिर 24 से भी शुरू हो जाता है दोस्तों। तो इतना सारा 10-15,000 का डिफरेंस रहता है 43 इंच वाला वेरिएंट में। जितना साइज आप बड़ा लेते जाएंगे प्राइस डिफरेंस भी बहुत ही बढ़ता रहेगा। और दोस्तों अगर आपको OLED डिस्प्ले वाला चाहिए, QLED डिस्प्ले वाला चाहिए, तो प्राइस दोस्तों जो डिफरेंस है वो जमीन आसमान का हो जाता है। तो इस वजह से मेरा प्रेफरेंस हमेशा रहेगा ये नए नए ब्रांड्स जो स्मार्ट टीवी लेकर आते हैं, सोनी सैमसंग एलजी हमारे लिए तो यंग पीपल के लिए नहीं है। अगर आपको घर में जस्ट टीवी लगाना है, चैनल वगैरह देखना है, आपका बजट में आ रहा है सोनी सैमसंग एलजी, तो दोस्तों आप वो लीजिए, वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर उसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन चाहिए तो दोस्तों आप ये ले सकते हैं। सभी टीवी का दोस्तों जो मैंने अभी बोला, जो भी सारे टीवी उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और दोस्तों ये इन कैटेगरी में सबसे बेस्ट स्मार्ट टीवी है। अगर अच्छा लगता है, खरीदना है तो मेरे लिंक से खरीद लीजिएगा, आपके प्राइस में थोड़ा भी डिफरेंस आए हुए हमारा थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, वरना मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपके लिए ऐसे ही दोस्तों टेक्नोलॉजी भरा लेटेस्ट वीडियोस लेकर आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो दोस्तों प्लीज अभी कर दीजिए और टेकफिन फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दोस्तों मिलते हैं टेकफिन के और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।